बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? रमज़ान मुबारक हो। आज 19 तारीख का है, तो उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ जी कढ़ी के साथ। आज मैं कढ़ी पकौड़ा बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के, इनको मैंने काट लिया है। साथ मैंने लिए हैं टमाटर एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। तीन तीन है तो मैंने ग्रीन चिली लिए, इनको मैंने काट लिया। साथ लेंगे जिंजर अदरक का पेस्ट, बेसन, और यहाँ पे मैंने लस्सी ली है जी फ्रेश, 1 लीटर लस्सी है मेरी। तो जनाब चलो शुरू करते हैं अभी। तो अभी हम सबको मिक्स कर लेंगे ग्राइंडर में। तो मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर और ये हरी मिर्चें सब डाल रहा हूँ ग्राइंडर के अंदर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करूँगा बेसन, बेसन में 6 टेबल स्पून ऐड कर रहा हूँ। बेसन मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट मैंने डालूँगा 2 टीस्पून, हल्दी डालूँगा साथ ही मैं 1 टीस्पून भर के, और थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा। साथ ही मैं ऐड करूँगा ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, साथ ही ऐड करूँगा सूखा धनिया 2 टीस्पून, और साथ ही ऐड करूँगा 1 टीस्पून गरम मसाला। सब मसाले वगैरह ऐड कर दिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ जी पानी। पानी मैं इसमें डालूँगा 2 कप्स, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। जी ये देखिए, अच्छे से मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है सब चीज़ों को, और यहाँ पे मैंने आग लगा दी है देसी के नीचे। और अब सारा हम मिक्सर इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, येलो नहीं हो जाता। पकने के लिए इसे कम से कम 20-25 मिनट चाहिए। हल्की आंच पे पकाएंगे कि नीचे लग भी ना जाए, ये भी ख्याल रखिएगा। हर जगह पे, हर मुल्क में, मतलब अपने स्टाइल में बनती है हर एरिया में। तो ये हमारे घर में ऐसे ही बनती हैं, मैं तो बचपन से ऐसे ही खा रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसे ही अच्छी लगती है। और साथ ही यहाँ पे मैंने ये दिखाया आपको कि ये मैंने बेसन लिया है पकौड़े निकालने के लिए। इसमें मैंने ऐड किया है जी रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, नमक मैंने लिया 1 टीस्पून। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, तो इसको भी पानी डाल के मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसको पकौड़े बनाऊंगा। कुछ लोग पकौड़े बनाते हैं जी प्याज आलू वगैरह डालते हैं, पर हम लोगों को अच्छे नहीं लगते, हम लोग इस तरह बनाते हैं। तो ये बन जाएंगे हमारी कढ़ी जी। जहाँ तक हमारी कढ़ी होती है, तब तक मैं साथ ही पकौड़े निकाल लेता हूँ। मैंने अपने पकौड़े डाल दिए, अभी इनको मैं फ्राई कर रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे हमारे कढ़ी को भी बॉयल आ रहा है, तो बस ये भी बन जाएगी थोड़ी देर तक। लेकिन इसका कलर भी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए इतनी थिक होनी चाहिए। इसके अंदर पकौड़े भी हमने ऐड करने हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी पकेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे। सब बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में कढ़ी, जितनी कम ज़्यादा हो उतनी कम है हमारे लिए। अभी वैसे भी रमज़ान है, तो मैं थोड़ी ही बना रहा हूँ, ज़्यादा भर के देसका नहीं बना रहा, क्योंकि वरना तो हम इससे बड़े वाले बनाए बनाते हैं, फिर हम अपने रिश्तेदारों में भी डालते हैं, उनको भी देख के आते हैं। अच्छा, अभी हमें इसकी आग बंद कर दूंगा बस, बाकी जो पकाना हो मैं पकौड़े डाल के फिर पकाऊंगा। जी ये देखेंगे, मैंने पकौड़े सारे बना के ऐड कर दिए हैं कढ़ी में। अब इसका तड़का बनाने लगा हूँ। ठीक है, जो मैंने ऑयल लिया था पकौड़े, उनमें से मैंने लिया ऑयल, और साथ ही इसमें भी ऐड करूंगा जीरा, मोटी लाल मिर्च, करी पत्ता। जी ऑयल गर्म हो चुका, अभी इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ जीरा, साथ में ऐड करूँगा मोटी लाल मिर्ची, करी पत्ता और सूखी मेथी। मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है इसमें कलर के लिए। अभी मैं इसको गर्म करता हूँ, फिर मैं इसका तड़का लगाता हूँ। रेडी है जी जनाब, तड़का मेरा रेडी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हमारा कढ़ी का तड़का, कढ़ी हमारी रेडी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी पकती है, मुझे पता है।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। दस्तखान लग चुका है, अफ्तारी का टाइम हो गया है। तो आज मैंने नहीं बनाई वीडियो, बाकी मैंने जो रोल दिखाए थे ये रोल बना लिए हैं। ये पफ पेस्ट्रीज हैं, फ्रूट है ये जो मैंने बेक किया था आज। पकौड़े बनाए, समोसे, साथ में ये चाट है ये। बाकी इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे 20वें रोजे के साथ। खुदा हाफिज़।